दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ 5 मिनट का, जिसमें 400 शब्द होंगे, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। रेडी? सभापति महोदय, कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होगा जबकि उसकी राष्ट्रीयता मजबूत होगी। जाहिर है कि राष्ट्रीयता कोई जड़ नहीं बल्कि चेतन है। राष्ट्रीयता को चेतन मानने के लिए यह मानकर चलना होगा कि किसी राष्ट्र के नागरिक नागरिकता के कुल मायनों में कितने नागरिक हैं। पैराग्राफ। महोदय, संसद की कार्यप्रणाली या कार्यवाही पर टिप्पणी करने से पहले देश के नागरिकों की नागरिकता पर एक बहस जरूरी बन पड़ी है। यह सच है कि हर भारतीय भारत का नागरिक है। यह भी सच है कि हर भारतीय नागरिक का यह भारत है। सच यह भी है कि भारतीय को अपने भारत पर गर्व है। लेकिन क्या यह भी सच है कि भारत को हर भारतीय नागरिक पर गर्व है? क्या कोई भी नागरिक भारत को यह सलाह दे सकता है कि उसे अपने नागरिक पर गर्व करना चाहिए? जाहिर है कि ऐसी सलाह देने से पहले सलाहकार को कई बार सोचना होगा। यद्यपि शिक्षक वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग भारत को यह सलाह निसंकोच दे सकता है, लेकिन भारत को इस सलाह के जवाब में यह सवाल करने का हक है कि क्या वे इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि यह सलाह मशीनी या पाठ्य पुस्तकों को जिंदा साबित करने की गरज से नहीं दी गई है, बल्कि भारतीय नागरिकों की भारत के प्रति सकारात्मक संवेदनशीलता के मद्देनजर ही दी गई है। भारत के इस सवाल के जवाब में कोई भी शिक्षक या बुद्धिजीवी ठहर नहीं सकता। यहाँ तक कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की या फिर एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी की गारंटी नहीं ले सकता। पैराग्राफ। महोदय, जहाँ तक अफसरशाही का सवाल है तो वह भारत के इस सवाल के जवाब में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के दस्तखत वाला शपथ पत्र तो दाखिल कर सकती है, लेकिन अन्य किसी गारंटी के मुताबिक वह जुबानी तौर पर भी कुछ कहने को तैयार नहीं होगी। इस संबंध में बुद्धिजीवियों के तर्क क्या होंगे यह तो वे ही जाने, लेकिन देश की तमाम अफसरशाही यही कहती सुनाई पड़ेगी कि इस भारत को एक शपथ पत्र थमा दो। पैराग्राफ। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा
था कि आपस में बातचीत करके इसका रास्ता खोजा जाए। आपको पैसा देना है और राज्य सरकारों को लेना है। यह ज्यादातर सही रूप में खर्च हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। वह पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, इसका लेखा जोखा राज्य सरकारों से लेना चाहिए। उनको इसकी जिम्मेदारी का पता नहीं है। जिम्मेदारी जहां पर तय की गई है, फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिनट की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।